शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश के 11 माह बीतने के बाद भी एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होने से विद्यार्थियों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। मंगलवार को विद्यार्थियों ने कुलपति के नाम कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के छात्र भागीरथ खतवासे ने बताया कि करीब 11 महीने पहले यानी अगस्त 2021 में प्रवेश लिया था। 6 माह में प्रथम सेमेस्टर परीक्षाएं होनी थी, लेकिन लंबे समय बाद भी परीक्षाएं नहीं ली जा रही। दूसरा सत्र भी बीतने को है और अभी तक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि तय नहीं होने से छात्र छात्राएं परेशान हैं। उन्हें अगले सेमेस्टर की तैयारी भी करना है। छात्रों का कहना है कि इस गति से परीक्षा ली गई तो 3 साल की पढ़ाई 4 साल में पूरी नहीं हो पाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आप एलएलबी क्यों छोड़ना चाहते हो? एग्जाम टाइम पे नहीं हो पा रही है, 6 महीने से हम रुके हुए हैं, हमारी स्कूल से पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। ये 6 महीने से क्या कोई कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह लेक्चर नहीं ले रहे क्या? नहीं सर, प्रोफेसर भी लेक्चर नहीं ले पा रहे टाइम से। तो अभी तक आपको कोई अनुशासन मिला है कि आप फाइनली एग्जाम कॉलेज छोड़ने वाले हो क्या? हाँ सर, अब मैं कॉलेज छोड़ने वाली हूँ। इससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, क्या नाम लिखते हो आप पूरा? प्रियंका। समस्याओं को लेकर आप प्रिंसिपल साहब के पास आए थे? आज हम एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने हमारी परीक्षाओं से अवगत कराते हुए जो हमारी परीक्षा समय के अनुसार नहीं हो पा रही है तो उस पर ज्ञापन दिया है कि आगे वो हमारी परीक्षा जल्दी से जल्दी। तो कौन से सेमेस्टर की आपकी एग्जाम नहीं हो पा रही अभी तक? हमारे प्रथम सेमेस्टर जो कि हमने अगस्त में एडमिशन लिया था 2021 सत्र में, तो अभी तक एग्जाम नहीं हो पा रही है। वापस 11 महीने लगभग होने में आ गए हैं, तो जिससे हमारी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी में हमें कठिनाई हो रही है। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? मेरा नाम शीतल दामोदर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।